हेलो गुड मॉर्निंग, और महाशिवरात्रि तो 3 बज गया। आप सभी को शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत। और भाई साहब आज मैं ग्लव्स पहनूं, देख रहे हो ना, तो ग्लव्स पहनो तो मेरे को एक स्टोरी याद आ जाती है। ग्लव्स मैं बहुत कम पहनता हूँ बाइक में, तो एक स्टोरी याद आ जाती है ग्लव्स पहनने के बाद मुझे। वो तो क्या हुआ था, जैसे कि ये डिवाइडर दिख रहा है, इसका आधा कर लीजिए, दिख रहा है ना, इसका आधा कर लीजिए, हाफ। तो इतना ही ऊंचा था इससे, हाँ हाफ हाफ कर लीजिए। तो इतना ऊंचा डिवाइडर था, तो वो क्या था, वो वैसा नहीं था, क्या बोलते हैं, जैसे ये ब्लू सॉरी येलो ब्लैक लाइनिंग है ना, उसमें ये चीज़ नहीं थी, येलो ब्लैक लाइन नहीं थी उसमें। तो हुआ ये, मेरे को रात के टाइम हो रहा था और वहाँ रोड पे अंधेरा भी था, तो मुझे पता नहीं दिखा नहीं क्या हुआ, मैंने अचानक गाड़ी मोड़ दी। और अचानक गाड़ी मोड़ने के बाद है ना, गाड़ी ऊपर चढ़ी और ऊपर चढ़ के और मैं अलग गिरा जाके, मेरा एक्चुअली सर जो है वो उसी डिवाइडर में लगा और गाड़ी अलग गिरी जाके। तो ये देखो छपरी डिवाइडर्स बहुत तेज आई से स्कूटी भगा रहे हैं अपनी, तो मैं अलग गिरा जाके, तो ये हुआ मेरा सर है ना डिवाइडर से गला। उस टाइम में ये हेलमेट नहीं है, जो भी वेगा लगाए हूँ वो मेरे पास था, स्टड्स का हेलमेट था, तो लेकिन हेलमेट था ऐसे मेरा बच गया सर। और इस ग्लव्स की बात होता हूँ, तो ग्लव्स के सहारे में ज़मीन से मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, तो ग्लव्स के है ना, ग्लव्स भी फट गए थे और ये हिस्सा है ना ये घिस गया था उसका। तो जब आप कुछ सेफ्टी पहने रहते हो ना, वो आपको बचाती है। हाँ ये बात है, मैं बाकी कुछ नहीं पहना था, तो मेरे पैरों के घुटने वगैरह में लग गई थी, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट मेन होता है सर बच गया था मेरा, तो इसलिए है ना। और गाड़ी भी अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ स्क्रैच आया, मैंने कभी इसका जिक्र है ना किसी भी टाइम किया नहीं है, किसी भी अपने वीडियो में ले लो, और कभी गाड़ी दिखाई नहीं है। लेकिन गाड़ी को एक बात तो माननी पड़ेगी, गाड़ी मजबूत है, जो देखने में आपको लगता है, लेकिन गाड़ी बहुत मजबूत है। और जब एक तरफ गाड़ी है ना दूसरी साइड गिरी ना, तो गाड़ी स्किड होके बहुत दूर तक गई थी, लेकिन गाड़ी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे, वो आपको दिखाऊंगा अभी मैं पुल पे जाके, क्योंकि यहाँ पे तो वो नज़र नहीं आएंगे है ना, तो वहीं पे दिखाऊंगा। हट जाओ भाई साहब, थोड़ा रास्ता दे दो। ये आज सब जगह आपको ऑलमोस्ट भंडारा मिलेगा, तो चलो चलते हैं। हट जाओ, तेरी सामने से आ गए। पता है यहाँ के लोग कैसे, यहाँ के लोग थोड़े वैसे टाइप के ढीट टाइप के, वो हटेंगे नहीं, आपकी गाड़ी आ जाए कुछ भी हो जाए वो नहीं हटेंगे। हट जाओ यार भाई, ये सही है, इनके तो नंबर ही नहीं आते। अच्छा बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इनके नंबर नहीं आते, और उनके से नहीं आते जिनकी स्पीड है ना 40 कर रखी है, उनके नंबर की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और जैसे ओला है जिनकी स्पीड ज़्यादा है, ओला एथर वगैरह जिन गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा है ना, उनके नंबर ज़रूरी हैं, और जिन इलेक्ट्रिक की 40 से स्पीड कम है उनको ज़रूरत नहीं है। और रोड कभी नहीं सुधरने वाली, कभी नहीं सुधरेंगी, कभी भी नहीं, रोड ऐसी रहने वाली है। हट जाओ यार, जगह दे दो थोड़ी। ये बस मेरे गाने में, मेरे वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। क्या होता है, कहीं पे भी गाना बज रहा होगा ना, तो वीडियो में ज़रूर कॉपीराइट आ जाता है, आपको थोड़ा सा भी अगर उसमें गाना आ जाए ना इसमें, तो कॉपीराइट मार देते हैं इतनी जल्दी। पुल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या हुआ था, जहाँ जहाँ स्क्रैचेस हुए थे।
राइट हैंड साइड पे ही होते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे गाड़ी स्किड करते हुए थी। लेकिन एक चीज़ तो है, मजबूती इतनी है भाई साहब कि कोई पार्ट है ना टूटा नहीं था। लोग बोलते ना गाड़ी ऐसी है, लेकिन गाड़ी में भाई साहब बहुत मजबूती है, कोई भी पार्ट्स है ना इसका टूटा नहीं था। बस ये है कि उस पर स्क्रैच आए थे हल्के फुल्के, बाकी कुछ भी गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। मुझे कहीं पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसको, ना ही सर्विस सेंटर, ना ही कोई क्लेम किया मैंने, कुछ भी नहीं किया गाड़ी से रिलेटेड। ये यार पानी से मैं जितना बचाने की कोशिश करता हूँ ना उतना ही पानी मिलता है। गलत रोड पे आ गए मुझे लग रहा है, उस वाली रोड पे जाना चाहिए था जहाँ पानी नहीं है। और मैं नहीं चाहता यार, अरे इस इधर से ले लेंगे अपन उस साइड, क्योंकि पानी में मैं उसको गीला नहीं करना चाहता। धो धो के मैं परेशान हो चुका हूँ, जब भी कहीं पे ले जाओ ना बार बार धोना पड़ता है। और ये पुल पे आ गए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं बता रहा था, ऊपर चढ़ते हैं और फिर बताता हूँ मैं। अभी भी इस पुल का है ना काम चल रहा है, देखो गाड़ी बंद करो। फर्स्ट थिंग ये दिख रही है यहाँ पे, ये स्क्रैचेस है हल्के हल्के जो शायद नहीं दिखेंगे। उसके बाद इधर पे स्क्रैच है, ये दिख रहा है, ये स्क्रैच है और ये स्क्रैच है यहाँ पे, और शायद कहीं पे भी नहीं है। बस कुछ ही स्क्रैचेस इधर, 1, 2, 3, 4, 5 यही स्क्रैचेस थे, बाकी गाड़ी कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ सही था। ऐसा कुछ था नहीं कि भाई साहब भाई मैं जाए ओला सर्विस सेंटर या फिर कोई क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ी, मुझे कोई भी क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गाड़ी बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि भाई साहब थोड़े में ही टूट जाए या फिर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त मस्त गाड़ी है, मस्त। तो वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, और हेलमेट पहन के ज़रूर रखो, क्योंकि हेलमेट है तो आपकी भाई सब जान है। ठीक है, बाय बाय।